है, इसको हम लोग करते हैं, ट्राई करते हैं। 98 में आया था ये। कहता है रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन नॉर्मली जो है वो 20 कैलोरी है पर मिनट पर यूनिट एरिया, इतनी एनर्जी रिसीव हो रही है। अगर मैं सन का टेम्परेचर डबल कर देता हूँ तो एनर्जी रिसीव कितनी होगी? ठीक है, तो सन से जो एनर्जी आ रही है, जो सन से एनर्जी आ रही है, सन है तो सन से अगर एनर्जी आ रही है तो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड या पर मिनट जो भी एनर्जी है अर्थ पर फॉल करेगी वो सिग्मा टी की पावर 4 बाई स्टेफेंस लॉ, बाई स्टेफेंस लॉ। नॉर्मली जो फॉल कर रही है ये अर्थ पे, वो मैं स्टेफेंस लॉ से इतना लिख सकता हूँ। अब अगर टेम्परेचर डबल कर दोगे तो एनर्जी इंसिडेंट क्या है? एनर्जी इंसिडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ई डैश अपन ई 20 इज इक्वल टू टेम्परेचर डबल कर दिए 2 टी अपन टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको दो बार लगा दिया तो टी ने टी को, इसका मतलब ई डैश इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। ठीक है, 320 जूल आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है, आसान था, स्टेफेंस लॉ पे क्वेश्चन था।